आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं, अगर आप उत्तर प्रदेश से हैं, अगर आप यूपी से हैं, अगर आप यूपी के रहने वाले हैं तो आप अगर आपका राशन कार्ड जो है वो खो गया है या कहीं पे रखा चले गया तो वो नहीं मिल रहा है, या आपका पास राशन कार्ड है उस राशन कार्ड को आप अपने इंटरनेट पर देखना चाहते हैं तो अपने राशन कार्ड में कितने का नाम है वो देखना चाहते हैं, तो आपको राशन कार्ड में कब मिला है आपको गेहूं वगैरह वो डिटेल दिखना चाहते हैं तो कैसे देख पाएंगे, अपने डीलर का नाम क्या है, यानी कि राशन कार्ड में जितनी भी डिटेल होती है सारे डिटेल आप देख पाएंगे और अपना आप राशन कार्ड डाउनलोड भी कर पाएंगे। इस वीडियो को देखकर आप जरूर सीख जाएंगे। तो चलिए आज की इस वीडियो में बताते हैं, अगर आप उत्तर प्रदेश के हैं तो किस तरह अपना राशन कार्ड डाउनलोड कर पाएंगे, राशन कार्ड का डिटेल आप निकाल पाएंगे और पूरे ट्रांजेक्शन आप निकाल पाएंगे, किस महीना में कितना लिया है और किसके द्वारा सत्यापन किया गया है, बायोमेट्रिक के द्वारा या किसके द्वारा, सारा चीज़ आपको विस्तार से बताएंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मैं हमेशा की तरह आज भी आपसे गुजारिश करूंगा, अगर चैनल पर पहली बार आए तो लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। अगर आपने पहले ही सब्सक्राइब कर रखा है तो आपका तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलिए आपका भी समय न लेते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और आज कुछ नया सिखाते हैं। नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस घंटी के आइकन को दबाएं, ऑल सेलेक्ट करें हमारी सभी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया है, जैसे आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे इस वेबसाइट पे पहुँच जाएंगे। वेबसाइट जो आपको दिखने को मिलेगा कुछ इस तरह का दिखने को मिलेगा, यहाँ आपसे दो तरह से चेक कर पाएंगे, राशन कार्ड नंबर अगर आपके पास है तो आप डाउनलोड कर पाएंगे, चेक कर पाएंगे। अगर राशन कार्ड नंबर वगैरह नहीं है तो राशन कार्ड का में जो नाम है व्यक्ति का उनके नाम से या कोई अन्य जानकारी से आप चेक कर पाएंगे। तो चलिए मैं राशन कार्ड के अन्य विवरण से चेक करना चाहता हूँ तो इस पर टिक मार्कर लगाऊंगा। जैसे मैं इस पे टिक मार्का लगाऊंगा इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा, उसके बाद यहाँ जिले खुल जाएंगे, उत्तर प्रदेश में जितने भी जिले हैं सारे जिले यहाँ पे ओपन हो जाएंगे, तो वो आपको सिलेक्ट करना। उसके बाद यहाँ पे क्षेत्र पूछ रहा है, ग्रामीण क्षेत्र है या नगरीय है, तो ग्रामीण में सिलेक्ट करना, जो भी आपका है वो अपने हिसाब से सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे अपना प्रखंड, जो भी प्रखंड है आपका, ठीक है, तो वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा। उसके बाद यहाँ पे कार्ड का प्रकार, आपके पास कौन सा कार्ड है, अंत्योदय है, गिरी थी है, जो भी है वो आप, जो भी कार्ड आपके पास है वो आप सेलेक्ट कर पाएंगे। उसके बाद यहाँ पे देखिए मुखिया के नाम से, ठीक है, मुखिया के नाम हिंदी में लिख कर आप सर्च कर सकते हैं या इंग्लिश में, इसलिए मैं इंग्लिश में लिख दिया हूँ। और यहाँ पे मुखिया के पिता का नाम अगर है तो दे भी सकते हैं, तो इसको खाली भी छोड़ सकते, जिस भी बॉक्स में लाल स्टार लगा उसको भरना अनिवार्य है, ठीक है। मैं इंग्लिश में नाम लिख दिया हूँ, हिंदी में नहीं लिखा हूँ। उसके बाद इस कैप्चर को इस बॉक्स में इंटर करना है, देख लीजिए मैंने कैप्चर को इस बॉक्स में इंटर कर दिया हूँ और इस खोजे पे क्लिक कर देंगे। तो देखिए खोजे पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे कुल प्राप्त राशन कार्ड की संख्या 8, इस नाम से जो इस जिले में इस प्रखंड में जो कार्ड है वो 8 है और सभी के विवरण यहाँ पे दिए गए हैं। नीचे में इसको डाउनलोड करेंगे, यहाँ पे राशन कार्ड नंबर दिया गया, राशन कार्ड का प्रकार दिया गया और मुखिया का नाम यहाँ पे दिया गया, उनके पिता का नाम दिया गया और उनका पूरा पता यहाँ पे दिया गया है। मान लीजिए मैं ऊपर वाला का देखना चाहता हूँ तो यहाँ पे व्यू डिटेल के नीचे व्यू पे क्लिक करेंगे। जैसे आप व्यू पे क्लिक करेंगे कुछ इस तरह से इंटरफेस दिखेगा, यहाँ पे देख सकते हैं और राशन कार्ड संख्या, यहाँ पे नाम रहेगा किटेदार का और मुखिया का, पति का, ये सारा चीज, पूरा एड्रेस यहाँ पे रहेगा। और उसके कार्ड में जितने भी परिवार, यहाँ पे देखिए परिवार का विवरण यहाँ पे दिया रहेगा, सभी का नाम हिंदी इंग्लिश में दिए गए हैं यहाँ पे देख लीजिए, और सभी का ये क्या मतलब संबंध क्या मुखिया से वो भी यहाँ पे दिए गए हैं, ठीक है। यहाँ सदस्य का नाम, उसके बाद यहाँ पिता या पति का नाम, उसका संबंध यहाँ पे दिए गए हैं। उसके बाद यहाँ पिछले 2 महीने का विवरण यहाँ पे देख पा रहे, किस महीना ने आप कितना गेहूँ लिया था, ठीक है, और किसके द्वारा लिया था, किस तारीख को लिया था और कैसे लिया था, किस तरह सत्यापन किया था, अंगूठा लगा के क्या था, यहाँ पे बायोमेट्रिक लिखा हुआ है एडवांटेड, ठीक है। तो यही हो गया आपका, यहाँ से आप चेक कर पाएंगे आपके राशन कार्ड में नाम, आपका राशन कार्ड ही एक तरह हो गया, अगर नाम कोई चीज़ खो जाता है तो आप इससे ले सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं आपके राशन कार्ड में कितने नाम हैं, कितना गेहूँ मिला, कब मिला, किस तारीख को मिला, समय भी यहाँ दिया गया, पूरा एड्रेस यहाँ पे दिया गया। आप इसको आप प्रिंट कर लेंगे, तो यहाँ पे प्रिंट करने का कोई ऑप्शन नहीं दिया गया, इसलिए कंट्रोल पी पे क्लिक करेंगे
तो जैसे आप कंट्रोल पी पे क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा, कुछ इस तरह का मिलेगा। यहाँ से आप इसको प्रिंट या सेव भी कर सकते हो। चलिए मैं अभी सेव नहीं करने वाला हूँ। तो इसी तरह आप भी यूपी का भी निकाल सकते हैं। मैंने ये वीडियो आप लोगों के लिए बनाया क्योंकि आप लोगों ने कमेंट करके भी हमें बताया था और हमसे पूछा था किस तरह हम कर पाएंगे, इसलिए मैंने ये वीडियो आपके लिए बनाया। दोस्तों उम्मीद करेंगे ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो लाल बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा।